लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस की टीम ने दबिश देकर एक घर से दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक इन लोगों के बारे में सुरक्षा एजेंसियों से पुख्ता इनपुट मिला था, जिसके आधार पर दबिशें दी गई। पकड़े गए आतंकियों के कनेक्शन अलकायदा संगठन से हैं। एटीएस ने मिनहाज अहमद और मसरुद्दीन नाम के दो आतंकियों की गिरफ्तारी की है, जबकि इनके दो साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे एक लखनऊ के मलियाबाद इलाके से पकड़ा गया है, जबकि दूसरे की गिरफ्तारी मड़ियाव थाना क्षेत्र से की गई है। एटीएस को पकड़े गए दोनों अलकायदा आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी मिले हैं, जिसके जरिए इनकी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी, लेकिन एटीएस ने इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। मिनहाज और मसरुद्दीन के पास से एटीएस की टीम को एक कुकर बम भी बरामद हुआ है, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। फिलहाल एटीएस की टीम ने मिनहाज के परिवार को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और इनके तीन अन्य साथियों की तलाश की जा रही है, जो इनकी साजिशों के साथ निभाने वाले बताए जा रहे हैं। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलवंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अलकायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अलकायदा का ही एक संघ का अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं, का नाम है मिनहाज, मसीरुद्दीन व शकील, इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बन आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था, जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था, और उन्हीं में से एक टीम ने आज आतंकी अभियुक्त मिनहाज अहमद, जिसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, के दुबग्गा थाना काकोरी अंतर्गत जो निवास है वहाँ पर दबिश दी गई तथा अभियुक्त मिनहाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। दूसरी टीम के द्वारा मसीरुद्दीन, उम्र लगभग 50 साल, को उसके सीतापुर रोड निवास मड़ियाहू थाने से। और बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि आतंकी मिनहाज के परिवार को पूछताछ के लिए ले गई है एटीएस। मिनहाज के पिता सिराज अहमद और मां को यूपी एटीएस पूछताछ के लिए लेकर गई है। यूपी एटीएस आज ही दोनों से पूछताछ करेगी, तो मिनहाज के परिवार को भी एटीएस ने अपने साथ ले लिया है। घर के अंदर जो बुजुर्ग दिख रहे हैं वो मिनहाज के पिता सिराज अहमद हैं, जिनकी तस्वीरें देखी हमने आपको दिखाई थी। सबसे पहले एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, जब घर से यूपी एटीएस सिनहास को लेकर गई थी, यानी मिनहाज का जो पूरा परिवार है उसको लेकर गई थी। मिनहाज के पिता सिराज अहमद और उनकी मां को लेकर गई थी और उनसे भी पूछताछ की जाएगी, और जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक पूछताछ अब परिवार वालों से भी की जाएगी, पिता से की जाएगी, मां से की जाएगी, और जब तक ये पूरी पूछताछ नहीं हो जाती है तब तक एटीएस अपने साथ ही रखेगी पूरे परिवार को, ऐसी जानकारी मिली थी। और सीधा विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। विवेक, अब क्या नई डेवलपमेंट इस पूरे मामले में हुई है, अब परिवार को साथ ले गई है यूपी एटीएस?
जी देखिए प्राची, मिन्हाज और मसीरुद्दीन दोनों को पकड़ने के बाद एटीएस ने उनके जो जुड़े लोग हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उन पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं। उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आनी है और जो मिन्हाज और मसीरुद्दीन से पूछताछ की जा रही है उनसे जो जानकारियाँ मिल रही हैं, इसके अलावा जो उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जाएगी वो जानकारियाँ क्या क्या देते हैं और उन दोनों जानकारियों में क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक समान हैं और या अलग अलग हैं, दोनों किस तरह की जानकारियां दे रहे हैं, उनसे मिलने वाले कौन कौन आते थे घर में और कितने कितने दिनों ये घर से बाहर रहा। क्योंकि दोनों बहुत शातिर हैं, अभी मुंह नहीं खोल रहे हैं, इनके पास से जो दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर एटीएस को बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, लेकिन उन दोनों से बहुत सारी जानकारियाँ उगलवाने में अभी सफलता नहीं मिली है। इसी वजह से उनके परिवार के लोगों को हिरासत में लिया गया है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ ली जा सकें। चूँकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियाँ किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती हैं। हर चीज़, एक एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी गहराई से और गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। बहुत सारी टीमें एटीएस की अलग अलग जिलों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं इस समय, और कानपुर में जो कानपुर से मिन्हाज का बहुत करीबी रिश्ता है, बहुत सारे लोग वहां से जुड़े हुए हैं और कानपुर अक्सर उसका आना जाना रहता था, ये भी एटीएस को पता चला है। एटीएस की एक टीम कानपुर रवाना हो गई है, वहां भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने कई मकानों में सर्च की बात भी सामने आ रही है और बहुत सारे लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एटीएस के अधिकारी अभी इस ऑपरेशन को उनका कहना है कि ये ऑपरेशन अभी एक शुरुआत है, क्योंकि अंसार गजवातुल हिंद जो संगठन है, मूलतः कश्मीर का संगठन है, उसके यूपी में आने की आहट बहुत सारी एजेंसियों के लिए चौकन्ना करने वाली है। और यूपी में किस इरादे से वो आने वाले थे, यहाँ पर उनका क्या था, क्योंकि ये संगठन कश्मीर की लड़ाई लड़ता है, कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, धारा 370 के विरोध में लड़ाई लड़ रहा है। पिछले महीने ही इस संगठन के एक सरगना को मारा गया था, सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में इनकाउंटर में उसकी मौत हुई थी। तो इस तरह से लगातार जिस तरह से गजवातुल हिंद के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और यूपी में उसकी आमद, यहाँ पर रेडिकलाइजेशन करना, यहाँ के लोगों को खासकर युवाओं को अपने ग्रुप से जोड़ना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन, आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें सामने आना, तो ये नेटवर्क जो लखनऊ में आज दो लोग पकड़े गए हैं, इसके तार कश्मीर से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा कश्मीर से आगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहुत सारे देश जो आतंकी देश घोषित हैं, जो दुश्मन राष्ट्र हैं, उनसे भी संबंध जुड़ रहे हैं। ये आगे आने वाली जो दिन है, ये जांच बहुत आगे जाएगी और इस नेटवर्क के बहुत सारे जो स्लीपर सेल हैं, एजेंट्स हैं, तमाम मददगार हैं। कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, मिराजुल और मसीरुद्दीन वो भी उनकी मदद करते, तो ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, ऐसे तमाम लोगों की सूची जुटाई जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है। दोनों के फ़ोन कॉल, जैसा कि वीरेश पांडे जी हमारे ब्यूरो चीफ, उन्होंने बताया था कि जैसे ही एटीएस की टीम पहुंची है, मिन्हाज ने अपना फ़ोन तोड़ने की कोशिश की है और उसको फ़ोन को कब्जे में ले लिया गया तुरंत, उससे बहुत सारी सूचनाएं, हालांकि उसमें जो एटीएस के सूत्र बता रहे हैं कि उसमें से सारी जानकारियां डिलीट कर दी गई थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्हाट्सएप का डेटा है वो रिट्रीव किया जा सके और बहुत सारे जो मैसेजेस हैं जो डिलीट किए गए हैं वो रिट्रीव किए जा सकें, इसके लिए फॉरेंसिक की एक टीम लगी हुई है। अभी धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के नाम सामने आएंगे, एक बड़ा नेटवर्क सामने आएगा यूपी में। 15 अगस्त के लिए, 15 अगस्त से पहले यहाँ पर तबाही की साजिश थी, लखनऊ में तबाही मचानी थी, इसके अलावा जो संवेदनशील शहर हैं लखनऊ के अलावा, वहाँ पर सीरियल ब्लास्ट करने थे, उसके लिए जो इन लोगों ने तैयारियाँ की थी वो कहाँ कहाँ थी। अगर बारूद, गोला बारूद लाए हैं, या आरडीएक्स है, या जिलेटिन है, या डिवाइसेस है, जैसे कुकर मिला है, कुकर बम बनाने में एक्सपर्ट है, एक डिवाइस मिली है, जितने शहर है वहां पर भी कुछ इसी तरीके की साजिश को अंजाम देने की फिराक में आतंकी थे। तो जो बाकी के अब आसपास के जिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के संवेदनशील जिले हैं, उनको लेकर अब क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वहां भी पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है? जी प्राची, सुबह से जब से ये ऑपरेशन 10 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ है लखनऊ में, उसके पहले ही एटीएस की टीमों ने लोकल जो पुलिस हैं, गोरखपुर की पुलिस, वाराणसी की पुलिस, कानपुर की पुलिस, प्रयागराज, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य संवेदनशील जिले जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज़, देश विरोधी गतिविधियाँ होती रहती हैं, वहाँ के लोगों से संपर्क करके अपने ऑपरेशन के बारे में इशारा किया था। बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दी गई थी, इशारा किया था कि कुछ सस्पेक्टेड लोगों की हमें तलाश है। एटीएस के पास इस समय तमाम लोगों की लिस्ट आ चुकी है जो
मिन्हाज और मसीरुद्दीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी लिस्ट आ चुकी है, उनके नाम हैं, उनके फ़ोन नंबर भी हैं। और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले एटीएस ने दो दिन लगातार होमवर्क किया है। दो दिन से एटीएस इस पूरी प्रकरण में लगी थी कि किस तरह से इन लोगों को घेरा जाए, किस तरह से पकड़ा जाए। और जैसे ही सही समय आया, आज सुबह जब रेड की गई है, उससे पहले ही वाराणसी में, गोरखपुर में, कानपुर में, आगरा में, प्रयागराज में और मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में प्लानिंग के साथ, कई जगह पर स्ट्रैटेजी के साथ ही सर्च ऑपरेशन किया गया और इसमें कामयाबी भी मिली है। विवेक, अब देखने वाली बात यह है कि आगे और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए। देखिए, लखनऊ से दो आतंकियों के पकड़े जाने के बाद आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर लखीमपुर से आपके सामने आएगी, जहां इंडो नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसएसपी ने गौरी फंटा बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाते हुए पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। वहीं अयोध्या में भी कुछ इसी तरीके का अलर्ट है। यहां एंट्री पॉइंट पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। राम जन्मभूमि परिसर समेत तमाम धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। साथ ही साथ उन सारे रास्तों पर जहां से असामाजिक तत्वों और आतंकवादियों के आने जाने का अंदेशा रहता है, वहां भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। दोपहर आज लखनऊ एटीएस टीम द्वारा लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा क्षेत्र में दो आतंकवादियों की पकड़ पर लखनऊ एटीएस को ढेर सारी बधाइयां। इस सूचना के बाद भारत नेपाल सीमा के गौरी फंटा धनगढ़ी क्षेत्र पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ उन सारे रास्तों पर जहां से असामाजिक तत्वों और आतंकवादियों के आने जाने का अंदेशा रहता है, वहां लखनऊ में आतंकियों के पकड़े जाने पर अयोध्या में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रवेश मार्गों पर चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। राम जन्मभूमि परिसर में भी अलर्ट जारी किया गया है। रेड जोन की सुरक्षा कड़ी की जा रही है। एटीएस कमांडो को भी अलर्ट किया गया है। राम जन्मभूमि मार्ग पर डॉग स्क्वाड ने चेकिंग की। राजधानी लखनऊ में दो आतंकियों के पकड़े जाने के बाद अयोध्या को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चालू कर दिया गया है। अयोध्या के जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, सब पे अभी चेकिंग किया जा रहा है। लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, लोगों की गाड़ियों की डिग्गी चेक किए जा रहे हैं, जितने भी खुफिया एजेंसी हैं वो भी लोगों की चेकिंग कर रहे हैं। अयोध्या में सभी मार्गों पर चेकिंग की जा रही है। अयोध्या में जितने भी लोग आ रहे हैं, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, डिग्गियाँ चेक किए जा रहे हैं, जिससे कि कोई अनहोनी ना हो सके। अयोध्या से बीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। तो देखिए, जिस तरीके से लखनऊ के काकोरी से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और ये बात निकलकर सामने आई कि किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी और इन्होंने कई शहरों की रेकी भी की थी, कई जिलों की रेकी भी की थी, जिसके बाद अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर लखनऊ के आसपास के जितने जिले हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की जा रही है। अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। अब अयोध्या सीओ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, अयोध्या जनपद अयोध्या में वर्तमान राम जन्मभूमि को लेकर जो चेकिंग तो हमारी पूर्व में चली जा रही है और ये निरंतर चेकिंग पहले से चलती है और चली जा रही है, चेकिंग कड़ाई से चलती भी रही है। आज लखनऊ में हम लोगों को कुछ सूचना मिली कि जो है कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं, उसको मद्देनज़र हम लोग और हाई अलर्ट करते हुए चेकिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्व में भी हमारे यहाँ पर ड्यूटी पर लगे सभी सुरक्षाकर्मी चेकिंग कर रहे हैं, एक एक आदमी को एक एक गाड़ी की आईडी देखी जा रही है और बाहरी व्यक्ति ही नहीं बल्कि इंटरनल गाड़ियों को भी हम लोग चेक कर रहे हैं, चेक करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। शामली में एक महिला के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक साल पहले पीड़िता ने शादी की थी, लेकिन शादी के करीब 3-4 महीने बाद ही पीड़िता को आरोपी पक्ष के लोग धर्मांतरण करने का दबाव बनाने लगे, जिसके बाद पीड़िता किसी बहाने से वहां से भागकर अपने घर गई। फिर 6 महीने बाद पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस अब इस मामले को घरेलू हिंसा मानते हुए जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच एएसपी शामली का कहना है कि धर्मांतरण के मामले में आरोपियों और पीड़ितों को बुलाकर जांच पड़ताल की जाएगी और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक लड़की जिसकी शादी वर्ष 2019 में हुई थी और शादी से पहले ही, जैसा अभी मैंने भी बातचीत किया था,
शादी से पहले ही उस लड़की के परिजनों को इस बात की जानकारी थी कि जहाँ उस लड़की की शादी हो रही है वो लोग क्रिश्चियन धर्म के हैं, क्रिश्चियन धर्मावलंबी हैं। उसकी शादी तय कराने में उस लड़की की सगी बुआ यानी कि लड़की के पिता की सगी बहन द्वारा वो रिश्ता तय कराया गया था। ये 11 सितंबर 2019 को ये शादी हुई थी। शादी के बाद वो लड़की गई भी थी, फिर आई भी थी, उसके बाद दो तीन बार गई थी। उसके बाद ये मामला आया था कि पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद की बात आई थी और घरेलू हिंसा की बात आई थी। तुमने कहा चर्च में जाओगी तुम्हारा बपतिस्मा होगा, बपतिस्मा लेने के बाद तुम्हें गाय का मांस खिलाया जाएगा। तो मैं कह लगी अच्छा, फिर कह लगी तुम्हारा बपतिस्मा होने के बाद तुम पूरी रीति से क्रिश्चियन लोग बन जाओगे। तो तुमने कहा जैसे हम कह गए तो तुझे तेरे को बोलना पड़ेगा अपने घर पर अपने पापा के सामने, अगर तूने कुछ भी सच बताने की कोशिश करी तो तुझे यहाँ पे हम मार देंगे। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पवन यादव पर जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए बकायदा मुनादी कराते हुए चल संपत्ति को कुर्की कराया गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर क्षेत्राधिकारी अयोध्या ने कुर्की की कार्रवाई की है। आरोपी पवन यादव एक दूसरे मुकदमे में फरार चल रहा है। आरोपी के चल संपत्ति के तौर पर 18 लाख की कीमत का डंपर कुर्क किया गया है। कुर्की की कार्रवाई करने गए अयोध्या कोतवाली के अधिकारियों ने बकायदा पूरे गाँव में डुगडुगी पिटवाई, अनाउंस करवाया और फिर आरोपी के घर पर कार्रवाई का नोटिस चस्पा कर दिया गया। आरोपी के परिजनों को एक प्रति कुर्की की कार्रवाई के आदेश की दे दी गई है, जिसके बाद आरोपी के 18 लाख के ट्रक डंपर को कुर्क किया गया है। ये जनपद अयोध्या कोतवाली नगर अयोध्या के अंतर्गत ग्राम मदरहिया में पवन यादव सनाफ भागवत प्रसाद यादव, ये 230/18 के एक मुकदमा था जिसमें इनको गैंगस्टर की प्रक्रिया के तहत 14A की कार्रवाई की गई थी, जिसमें यहाँ पर सारी कार्रवाई पूर्ण करने के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनके चल संपत्ति को कुर करने का निर्देश दिया गया था। उस संबंध में आज ये प्रक्रिया पूर्ण की गई है। और बाराबंकी से अगली खबर है, जहां एम्बुलेंस फर्जीवाड़े मामले में बाराबंकी पुलिस ने आज माफिया मुख्तार अंसारी की गुर्गी और 25,000 के नामी अभियुक्त अली मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीकृत कराई गई एम्बुलेंस के प्रकरण में की गई है। इस मामले में आरोपी डॉक्टर अलका राय, राजनाथ यादव, आनंद यादव, शेषनाथ, मोहम्मद शेख मुजाहिद, सलीम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में आज नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया गया है। सीएम योगी विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी में 2021-2030 जनसंख्या नीति का ऐलान उन्होंने किया है, जो 2030 तक प्रभावी रहेगी। सीएम योगी ने कहा कि इससे लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं विकास में बाधक है। ऐसे में समग्र विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है और इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत होगी। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि जनसंख्या नीति में समाज के हर तबके का ख्याल रखा जाएगा। इस नई नीति में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आखिरी बार जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी। आपको बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक यूपी में जन्म दर अभी 2.7% और राष्ट्रीय औसत में 2.2% से ज्यादा है। 2030 तक 1.9% तक लाने का लक्ष्य है। जनसंख्या विकास में कहीं ना कहीं बाधक हो सकती है और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021-2030 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने की दिशा में प्रयास, लेकिन इस प्रयास का आधार हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा, हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा, मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा।
यूपी सरकार जनसंख्या से जुड़ा ड्राफ्ट लाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि इस ड्राफ्ट में ऐसा क्या है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट, आपको समझा देते हैं। ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के कानूनी उपाय के रास्ते हैं। जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने के प्रयासों पर जोर दिया गया है। योजनाओं में लाभान्वित होने वालों को डिजिटल ट्रैकिंग उनकी की जाएगी। दो से ज्यादा बच्चे वाले परिवार को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। 2021 से 2030 मतलब 10 साल तक ये मान्य रहेगा। जन्म दर को 2030 तक 2.2% से नीचे लाने का लक्ष्य है। पिछली जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी। 2016 तक के लक्ष्य के आधार पर पुरानी नीति थी। कहने को तो यूपी की आबादी इस वक्त 23 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 2011 में यह आबादी 20 करोड़ से कम थी। मतलब 10 साल में 3 करोड़ की जनसंख्या बढ़ गई। हर वर्ग के हिसाब से आपको यूपी की जनसंख्या समझाते हैं जो 2011 में दर्ज की गई थी। 2011 में दर्ज जनसंख्या के मुताबिक 19.98 करोड़ ये कुल आबादी है, और हिंदू की अगर बात करें तो 15.93 करोड़ हिंदू आबादी है। मुस्लिम की अगर बात करें तो 3.84 करोड़ मुस्लिम आबादी है, और अगर सिख की बात करें तो ये भी 6,43,000 हैं यूपी में। ये कुल आबादी में किस तरीके से बटे हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। ईसाई की बात करें तो 3,56,000 ईसाई हैं। जनसंख्या के आधार पर बौद्ध की अगर बात करें तो 2,06,000 बौद्ध हैं, और अगर जैन की बात करें तो 2,13,000 जैन उत्तर प्रदेश में हैं।